कि नहीं मानोगे गाइस, 6 बजे के बाद दोस्तों हमारी यहाँ रावण दहन हो जाता। लेकिन दोस्तों इस बार तो भाई मेरे लिए रुके थे, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। अभी ज्यादा देर हो चुकी होती है भाई, अभी तो भाई कितने बज चुके देख सकते हो भाई, पीछे सॉन्ग बज रहा है और भाई काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और भाई मुझे लगता है दशहरा खत्म हो गया, जब तक तो भाई रावण जल भी चुका होगा, लेकिन देखते हैं भाई कितनी देर काम पे फंस गया था इसलिए भाई थोड़ी देर लग गई, लेकिन हम पहुंचेंगे और देखेंगे भाई अभी तक रावण जला है नहीं जला, इसलिए भाई फटाफट जाना पड़ेगा भाई। अभी कितने बजे, अभी 6:30 बजने वाले, और भाई 6 बजे तक तो भाई रावण जल भी जाता है भाई, तो देखते हैं भाई। बस थोड़े देर आगे जाने के बाद दोस्तों इस जगह पे रावण दहन होता है, जी हाँ इस जगह पे, ठीक है भाई। जस्ट वहाँ पहुँचने के बाद भाई सब सुकून मिला के भाई सब अभी तक रावण नहीं जला, क्योंकि भाई सब 6 बजे के बाद तो भाई रावण जला दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अभी तो भाई 6:30 बज चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक रावण नहीं जला है। और देख सकते हो भाई सब कितनी ज़्यादा पब्लिक है, क्योंकि भाई सब आपको अंधेरे में ठीक तरह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यकीन करो भाई सब कितनी ज़्यादा पब्लिक है। और ऊपर रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो भाई सब पब्लिक, देखो भाई कितनी सारी बैठे हो, जैसे कि भाई सब थिएटर हो ऐसे हाउसफुल तरीके से लोग बैठे। और यह देखो भाई सब हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आ चुके, और उसकी सासी ऋषि मुनि जी भी आ चुके। और दोस्तों पहले तो भाई सब रावण को भाई सब खाली तीर से मार गए, क्योंकि भाई सब उसके भाई परीक्षा लेनी है भाई, पहले तो भाई टेस्ट कर लेते हैं भाई रावण को भाई तीर लगता है नहीं लगता, फिर उसके बाद भाई सब हमारा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। और भाई सब इन्हीं बीच में दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने एक बार तो नोटिस की ही नहीं होगी कि भाई सब आपको मैंने राम दिखा दिया, लक्ष्मण दिखा दिया, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी दिखा दे, भाई सब हनुमान जी की एंट्री तो अब हुई है भाई, अब आएगा देखना मजा। देखो भाई सब हनुमान जी भी हमारे आ चुके और प्रभु श्री राम भी आ चुके और भाई सब के साथ लक्ष्मण जी भी है। देखो भाई अब होगा असली खेल, और हाँ अब तक आप एंजॉय करो। रावण इतना जिद्दी था कि भाई जलने का नाम ही नहीं रहा था, फिर क्या भाई साहब प्रभु श्री राम और हमारे लक्ष्मण जी ने एक और तीर चलाया और फिर से दोस्तों वार किया, और इस बार तो दोस्तों रावण जलने से बच नहीं सका। इसी के साथ दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों रावण दहन हो जाता है, और दोस्तों आप देख सकते हो भाई सब रावण किस तरह से जल चुका है, पहले कब था और अब क्या हो चुका है दोस्तों। और हाँ अभी तक रावण की बुराई खत्म नहीं हो चुकी, क्योंकि भाई सब आप में और मुझ में और आप सभी में, हम सभी लोग में दोस्तों एक ना एक रावण जरूर छुपा होगा, कब कहाँ और किस वक्त निकल आए वो किसी को नहीं मालूम होता, समय आने पर वो निकल आता है, नहीं तो दोस्तों कभी नहीं निकलता, वो आप में भी होता है और मुझ में भी है भाई सब, एक रावण सब में होता है रावण, कोई कोई निकलता है और कोई नहीं भी निकलता। और देख सकते हो भाई सब काफ़ी ज़्यादा रावण जल चुका है, और दोस्तों थोड़ी देर के बाद दोस्तों आपको एक और रावण दिखाऊंगा, जी हाँ सही सुना, इसके जस्ट बाजू में एक रावण जल चुका है भाई सब, वहाँ भी जला रहे होते हैं भाई सब, वहाँ भी गया था, ठीक है भाई ये वॉइस ओवर उसके बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सब वहाँ पर मुझे भाई सब रावण का दूध भी दिखा था भाई, उसे देखने के बाद दोस्तों मैं भी आपको फटाफट एक दूसरा रावण दिखाता हूँ। और यहाँ याद रखना आप पे मुझ में एक रावण जरूर है। हाँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, ठीक है भाई सब, और हाँ इसलिए भाई इस चीज़ को भाई फटाफट में
फास्ट फॉरवर्ड का देना हो, ठीक है भाई, आप इंजॉय जरूर कर देना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इन्होंने के भाई सब इसमें भाई रॉकेट छोड़े थे, जी हाँ सही सुना, इसमें इन लोगों ने भाई रॉकेट लगाए थे भाई, और रॉकेट भाई सब यहाँ वहाँ उड़ भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात भाई, इसके बाद दोस्तों हमारा एक नया व्लॉग भी आने वाला, ठीक है भाई, ये अब आ जाएगा। पहले भाई सब हम गए थे भाई माता रानी के दर्शन करने, जी हाँ सही सुना भाई, हम गए थे भाई माता रानी के दर्शन करने, वो भी भाई सब 30 से 32 हज़ार किलोमीटर वो भी चल के भाई, जी हाँ सही सुना आपने भाई, उसका भी ब्लॉग आएगा, क्योंकि भाई वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा है भाई साहब, 15 या 14 मिनट का। हाँ, जस्ट थोड़े आगे जाने के बाद हमने किए भाई सब शिव जी के दर्शन। और हाँ, इसी के साथ दोस्तों ये ब्लॉग एंड करते हैं, और हाँ, हर हर महादेव, और भाई साहब यहाँ तक कि भाई शिव जी के आशीर्वाद लेके हम चलते हैं।